हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक के SB सेविंग्स अकाउंट्स को एनालाइज करेंगे। दोस्तों ये वही सेविंग्स अकाउंट्स होता है जब आप पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच में जाते हो अपना एक सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए, तो बेसिकली आप लोगों को यही सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करके दिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस सेविंग्स अकाउंट्स के सारे बेनिफिट्स, हिडन चार्जेस, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आप लोगों का पैसा सुरक्षित होता है पंजाब नेशनल बैंक में या फिर नहीं होता है। दोस्तों जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अब तक का सबसे ज़्यादा स्टडी किया हुआ वीडियो है, और मैं आप लोगों को एक गारंटी के साथ में बोलता हूँ कि आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियोज़ देखोगे पंजाब नेशनल बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर, तो वहां पर आप लोगों को इतना जानकारी नहीं मिलेगा जितना मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आप लोगों को सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में आप लोगों का पैसा सुरक्षित होता है या फिर नहीं होता है। तो दोस्तों जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक DICGC से इंश्योर होता है। DICGC का पूरा नाम है डिजिटल इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है, जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5,00,000 रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अगर पंजाब नेशनल बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है, तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5,00,000 रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं हम पंजाब नेशनल बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक आप लोगों को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो दोस्तों जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में 1 ईयर का FD ओपन करवाते हैं, तो ऐसे केसेस में पंजाब नेशनल बैंक आप लोगों को 6.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे केसेस में पंजाब नेशनल बैंक आप लोगों को 7.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों अगर हम इस सेविंग्स अकाउंट्स के मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करूं, तो यहां पर आप लोगों को रूरल में 500 रुपये और सेमी अर्बन में 1,000 रुपीज़, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज़ में 2,000 रुपीज़ मेंटेन करना होता है। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं, यानी कि अगर आपका बैलेंस 50% शॉर्टफॉल होता है, तो ऐसे केसेस में रूरल में 50 रुपीज़ प्लस GST, सेमी अर्बन में 100 रुपीज़ प्लस GST, इसके अलावा मेट्रो सिटी और अर्बन में 150 रुपये प्लस GST चार्जेस देना होता है। और अगर आप कुछ भी बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं, तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 100 रुपये रूरल में चार्जेस देना होता है प्लस GST, सेमी अर्बन में 150 रुपये प्लस GST चार्जेस देना होता है, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज़ में 250 रुपीज़ प्लस GST चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक अपने SB सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। हालांकि दोस्तों अगर आप आरोग्या प्लस सेविंग्स अकाउंट्स या फिर उन्नति सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हैं, तो यहां पर आप लोगों को 25 पेज का चेकबुक पंजाब नेशनल बैंक पर फाइनेंशियल ईयर ऑफर करता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ SB सेविंग्स अकाउंट्स की, तो यहाँ पर आप लोगों को 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है पंजाब नेशनल बैंक। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो, तो ऐसे केसेस में अगर आप डिजिटल मोड के थ्रू एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो, तो ऐसे केसेस में पर पेज का आप लोगों को 3 रुपये प्लस GST चार्जेस देना होगा। और अगर आप ब्रांच के जरिए चेकबुक लेते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को पर पेज यानी कि पर लीफ का 4 रुपीज़ प्लस GST चार्जेस देना होगा। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक में आप लोगों को क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, यानी कि प्रति 3 महीने में आपको अपना बैलेंस मेंटेन करना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम SMS अलर्ट चार्जेस की बात करें, तो यहाँ पर आप लोगों को 15 रुपीज़ प्लस GST क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक आप लोगों को क्लासिक रुपए डेबिट कार्ड ऑफर करता है। और अगर हम इस डेबिट कार्ड के एनुअल फीस की बात करें, तो यहाँ पर आप लोगों को 150 रुपये प्लस GST चार्जेस देना होता है, जो कि ऑटोमेटिकली हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। दोस्तों अगर हम इस ATM कार्ड के लिमिट को डिस्कस करें, तो आप इस ATM कार्ड से 25,000 रुपये पर डे निकाल सकते हैं, और 60,000 रुपये तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी कि POS ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो आप इस डेबिट कार्ड से पंजाब नेशनल बैंक के ओन एटीएम से 5 बार मंथली पैसे निकाल सकते हैं और दूसरे बैंक के एटीएम से भी मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं और मेट्रो सिटी से आप 3 बार पैसे निकाल सकते हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 21 रुपीज प्लस GST तक चार्जेस देना पड़ सकता है। दोस्तों ये मैंने मैक्सिमम चार्जेस बताया है। अब इसके अलावा दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 50 डेबिट इंट्रीज पर फाइनेंशियल ईयर फ्री में प्रोवाइड करता है। दोस्तों अगर आपका 50 डेबिट इंट्रीज से ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 10 रुपये प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। अब दोस्तों आप लोगों का एक सवाल होगा कि क्या हम फोन पे के जरिए अगर पेमेंट करते हैं या फिर गूगल पे के माध्यम से या फिर अमेज़ॉन पे के माध्यम से या फिर मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करते हैं तो क्या ये ट्रांजेक्शन इसमें काउंट होगा या फिर नहीं होगा। तो दोस्तों जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी 50 डेबिट इंट्रीज में काउंट नहीं होगा। दोस्तों ये 50 डेबिट इंट्रीज वो होता है जब आप ब्रांच के जरिए कोई भी डेबिट करवाते हैं तो ऐसे केसेस में ये जो डेबिट इंट्रीज होता है ये काउंट होता है। इसके अलावा दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक में आप मंथली 3 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और अगर आप इसके ऊपर करते हैं तो ऐसे केसेस में पर ट्रांजेक्शन आप लोगों को 50 रुपीज प्लस GST चार्जेस देना होगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों का एक सवाल हमेशा से ही होता है कि पंजाब नेशनल बैंक में हम कितना रुपए रख सकते हैं। तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन पर फाइनेंशियल ईयर में नहीं कर सकते हैं और सिंगल टाइम में 2 लाख रुपए से ज़्यादा का डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। बाकी आप जितना मर्जी उतना आप करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होता है कि पंजाब नेशनल बैंक मोबाइल बैंकिंग में हम विदाउट ATM कार्ड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से PNB One एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिना ATM कार्ड के। इसके अलावा दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक का मोबाइल बैंकिंग मुझे काफ़ी शानदार लगता है। हाँ, पहले नहीं लगता था दोस्तों, पहले लॉगिन करता था तुरंत कट जाता था, अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता था, लेकिन अब ये अच्छे तरीके से वर्क करने लगा है। दोस्तों अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक के क्राइटेरिया की तो यहाँ पर आपका एज मिनिमम 10 ईयर्स होना चाहिए। हालांकि दोस्तों जब आपका एज 10 ईयर्स होता है तो ऐसे केसेस में आपका जो अकाउंट होता है वो माइनर के कैटेगरी में होता है और आपका पूरा का पूरा अकाउंट आपके गार्जियन के अंडर में होता है। दोस्तों जैसे ही आपका एज 18 प्लस होता है वैसे ही ये कन्वर्ट हो जाता है SB सेविंग्स अकाउंट्स में और आपको सारे फैसिलिटीज मिल जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि पंजाब नेशनल बैंक के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में सवाल और डाउट चल रहा होगा वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।